हेलो वेलकम फ्रेंड्स वेलकम टू फार्मा वेदाज्ञान तो एम्स में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के जो रिज़ल्ट हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं तो किस तरीके से रिजल्ट रहता है मेरिट लिस्ट किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी आंसर की आपको दिखेगी या नहीं दिखेगी सारी चीज़ों पर अभी हम बात करेंगे तो कॉमन रिक्रूमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट जो कराया गया था एम्स द्वारा सी आर ई तो इसमें आपको रिजल्ट में क्या क्या मिलेगा मतलब किस तरीके से दिखेगा काफ़ी लोगों को काफ़ी डाउट है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं गलत हुए थे जब आपने एग्ज़ाम दिया था जो डोमेन सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे options का, काफ़ी जो हैं गलत रहे थे काफ़ी जगह ऐसा हुआ था कि प्रीवियस क्वेश्चंस भी आ गए थे तो ऐसे में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी तो अभी जो रिज़ल्ट डिकलेयर हुआ है लेटेस्ट नोटिफिकेशन अगर आप देखें तो 22 तारीख का है कल रात को ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है जिसमें कि फायर टेक्नीशियन सिक्योरिटी कम फायर जमींदार की पोस्ट के लिए जो आपका फिजिकल रहेगा जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके लिए कैंडिडेट्स को जो है बुलाया गया है तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें रहेंगी इसके बाद हम और पोस्टों की बात करेंगे कि कब तक आपको सारी वैकेंसियों का रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि एग्ज़ाम जो रहा था सभी का सेम रहा था अट्ठारह से बीस तारीख तक ठीक है अट्ठारह से बीस दिसंबर को सभी पोस्टों का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया था तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कि आपका फिजिकल के लिए ये सभी कैंडिडेट्स को जो है बुलाया गया है तो टोटल अगर आप देखें तो सिर्फ आपको रोल नंबर देखने को मिलेगा ना आपको मार्क्स दिखेंगे कि, कि कितने आपके मार्क्स बने हैं कितने क्या बने हैं सिर्फ आप रोल नंबर से आप फिज़िकल देने जा सकते हैं ठीक है तो ये ये सारी चीज़ें रहेंगी अब बात करते हैं अदर पोस्टों के लिए आपको किस तरीके से जो है रिज़ल्ट देखने को मिलेगा तो एम्स डेली में जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है वो सभी एम्स से बहुत अलग रहता है तो काफ़ी चीज़ें अलग रहती है सबसे अलग ही जो है आपको दिल्ली एम्स का रिजल्ट और रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जब रिज़ल्ट आएगा देखिए आपको आंसर की नहीं मिलेगी पहली चीज दूसरी चीज़ जो क्वालिफाइड होते हैं मतलब जो मेरिट लिस्ट में आते हैं सिर्फ वही लोग अपना जो है मार्क्स देख सकते हैं और कैंडिडेट्स अपने मार्क्स तक चेकआउट नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ये दो पॉइंट जो हैं दिल्ली एम्स में रहते हैं अभी देखिए ये प्रीवियसली जो वैकेंसी आई थी आपकी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की तो इसमें जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं मतलब जो भी रैंक में आए हैं उन्हीं के आपको रोल नंबर देखने को मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पे सिर्फ आपको रोल नंबर मिलेगा कैटेगरी मिलेगी और रिमार्क में जो है कौन सी कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है इसमें ना आपको मार्क्स दिखेंगे ना आपको कैटेगरी मतलब और चीज़ें दिखेंगी सिर्फ आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से रहा था अभी देखिए ये जो एग्ज़ाम कराया गया था तो सिर्फ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है सिर्फ वही अपने मार्क्स चेकआउट कर पाएंगे मतलब उन्हीं के मेरिट लिस्ट में जो है आपको सिर्फ मार्क्स दिखेंगे तो ये आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का है इसके साथ ही अगर हम अदर पोस्ट का बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि हिंदी ट्रांसलेटर तो ये प्रीवियस जो रिज़ल्ट है वो आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ आपका क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के रोल नंबर कैटेगरी दिखेगी और सारी डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं होती सिर्फ आपको जो फर्स्ट स्टेज में रहा था सेकेंड स्टेज जो आपका था तो उसमें जो आपका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा जिसका भी सिलेक्शन हुआ है तो ये प्रोसेस जो है एम्स डेली अपनाता है तो आप लोग देखिए आरटीआई लगा रहे होंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है आरटीआई का जवाब नहीं देता एम्स इसके साथ ही अगर हम बात करें ये जो वैकेंसी है सीआरई इसका जो रिजल्ट है वो दिसंबर के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगा या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको सारी पोस्टों का रिजल्ट देखने को मिलेगा रिजल्ट में आपको क्या क्या दिखेगा उसमें आपको सबसे पहले जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उन्हीं के रोल नंबर आपको दिखेंगे हो सकता है आपको मार्क्स भी दिख जाए तो ये ही प्रोसेस रहेगी और चीज़ें आपको डिस्क्लोज नहीं की जाएगी ठीक है तो चैनल के साथ बने रहिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे ही रिजल्ट आता है सभी पोस्टों का आपको सबसे पहले हम अपडेट करेंगे कि किस तरीके से रहा था कितनी जो है इस बार कट ऑफ गई है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स बनने देखिए अभी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली भी चेकआउट कर सकते हैं अभी जो आपका स्टेज फर्स्ट है उसी का रिजल्ट आया है और अभी रिजल्ट नहीं निकले हैं तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए कोई भी नई वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय